एक गांव में गंगाधर नाम का धोबी हुआ करता था। उसकी पत्नी तरुणी कपड़े धोया करती थी। गंगाधर कोयले का इस्त्री के डब्बे से उनका इस्त्री करता था। उनका बेटा टिंकू बहुत होशियार था, हमेशा पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कुछ ना कुछ प्रयोग किया करता था। गंगाधर के घर पर हर दिन जमींदार गोपाल दत्त का कोट आया करता था। तरुणी उस कोट को धोती थी, गंगाधर उसका इस्त्री करता था। गंगाधर एक दिन वो कोट लाने वाले काम वाले से, क्यों भाई हर दिन एक ही कोट को लाकर धुलवाकर इस्त्री करवाकर जा रहे हो? आपके जमींदार के पास इस कोट के अलावा और कोई दूसरा कोट नहीं है क्या? हाँ, सारे गांव वालों को पता है ना कि वो कितना कंजूस है। वो इस कोट को 3 साल से इस्तेमाल कर रहा है, जितना मुझे पता है, और 10 साल तो चलाएगा। हाँ जानता हूँ भाई, इन 3 सालों से तो मैं ही उसका इस्त्री कर रहा हूँ ना। अब तक मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया, कम से कम अब मेरा बाकी चुकाने के लिए कहो भाई। हाँ क्या, तुम्हारे पैसे मैं पूछूं? उतनी हिम्मत मैं तो नहीं कर सकता। मेरी ही तनखा मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ तो तेरे पैसे क्या पूछूंगा? तुम ही आकर पूछ लो। कहकर कोट लेकर चला गया। जमींदार गोपाल दत्त वो कोट पहनकर बाहर आया, 2 काम वालों को बुलाकर, हाँ गाँव जाना है, कार निकालो रे, कहकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। एक काम वाला दूसरे से, वो और उसकी कंजूसी, कार में पेट्रोल नहीं भरवाता और हर दिन हमें धक्का देने को बोलता है। पेट्रोल यानी पैसे वेस्ट समझता तो कार ही क्यों रखी, चलकर जा सकता है ना, लेकिन नहीं, बिल्डअप जो देना है उसे। इन दोनों उसे डांटते हुए कार को धक्का मार रहे थे। गोपाल दत्त गली में जाने वाले लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए कार स्टीयरिंग घुमा रहा था। इतने में 2 औरतें आगे आई। गोपाल दत्त कार में जाते हुए, गधे कहीं के, पेट्रोल भरवाने बोलूं तो भूल गए, इसीलिए सजा दे रहा हूँ। कार को धक्का देने वाले नौकरों को बहुत गुस्सा आया। एक दिन गंगाधर की पत्नी तरुणी, ओजी अब वो जमींदार का कोट धोना मुझसे नहीं होगा, हिसाब से उन्हें अब तक हमें 22,000 देने चाहिए, पहले वो पैसे वसूल करके आइए फिर देखते हैं। ठीक है, धैर्य से जाकर पूछता हूँ, कहकर गया। गंगाधर जमींदार के घर गया, बाहर खड़ा होकर, जमींदार जी, जमींदार जी, यूं पुकारा। बहुत देर होने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो गंगाधर फिर घर के अंदर गया। वहाँ उसे एक कमरे से जमींदार की आवाज सुनाई दी। गंगाधर उस कमरे के पास गया। जमींदार एक पुराना फटा हुआ कुर्ता और धोती पहनकर अपने पत्नी के फोटो के आगे खड़ा हुआ था। जमींदार उस फोटो के आगे खड़ा होकर, देखा मेरी परिस्थिति, कम से कम एक शर्ट खरीदने की औकात भी नहीं है। तुम जब थी हम दोनों मिलकर कितना दान धर्म किए थे, कितने परिवार को संभाले, आखिर हमारा ये हालत हुआ है। मुझे छोड़कर तुम तो आराम से स्वर्ग चली गई, मैं यहाँ हमारे वंश की इज्जत बचाते हुए किसी न किसी तरह चला रहा हूँ। मैं वो कोर्ट केस जीतू लगता है नामुमकिन है। कल परसों में ये घर कार भी ले लेंगे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। सोचता कि हिम्मत करके कुछ करूँ तो खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। मुझे खाना खाकर 2 दिन हुआ है, ये बूढ़े की जान अब और ज्यादा नहीं चलेगी री, कहते हुए रोने लगा। वो सब सुनकर गंगाधर की आंखों से पानी आने लगा, तुरंत वहाँ से निकल गया। घर आकर गंगाधर तरुणी से, अर्जेंट 4 किस्म की सब्जी, रोटी, चावल, मिठाई सब बनाओ। किसके लिए जी? गंगाधर उसे जो हुआ बताया। तरुणी तुरंत खाना बनाई। गंगाधर कैरेज लेकर जमींदार के घर गया। जमींदार कोट पहनकर बाहर आया। हाँ कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? यूं गंभीर रूप में पूछा। मैं आपका हर दिन कोट धोकर इस्त्री करने वाला धोबी हूँ श्रीमान। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए आपको खाना देने के लिए आया हूँ। आप वो खाए तो मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के बराबर होगा श्रीमान। हाँ अभी पेट भरकर खाना खाया, ठीक है शाम को खाऊंगा, तुम्हारे बेटे को मेरा आशीष, कहकर कैरेज लेकर अंदर गया। गंगाधर फिर खिड़की से देखा, जमींदार जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। गंगाधर बहुत दुखी हुआ। इस तरह गंगाधर रोज कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उसे कैरेज देने लगा। एक दिन जमींदार का काम वाला कोट लाकर, इसे जल्दी इस्त्री करके दो, जमींदार को अर्जेंट कोर्ट जाना है बोल रहे थे। वहाँ मौजूद तरुणी, अरे अभी अभी जो बारिश हुई उसकी वजह से सारे कोयले सब भीग गए, अब कैसे इस्त्री करें? गंगाधर को भी क्या करे समझ नहीं पाया। इतने में टिंकू आकर, आप घबराइए मत, कहकर गैस सिलेंडर लाकर इस्त्री के डब्बे को कन्वर्टर के साथ जोड़ दिया। वो तुरंत गर्म हो गया, वो देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए थे। गंगाधर तुरंत कोट इस्त्री किया।
काम वाला उसे ले गया। अगले दिन जमींदार गंगाधर के घर आया। वे उन्हें देखकर आश्चर्य पड़ गए थे। गंगाधर, तुम लोग इतने समय मेरे पास जो एक ही कोट है उसे धोकर इस्त्री किए और मेरी इज्जत बचाए। मैं भूख से मर रहा था तो खाना खिलाकर मेरी जान बचाए। भगवान की कृपा से कोर्ट केस मैं ही जीत गया। मेरे जायदाद पैसे सब मुझे वापस मिल गए। अब से तुम मेरे परिवार वाले हो, इसलिए मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मैंने तुम्हारे नाम लिखा है। कृपया करके इनकार मत करना, तुम लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। कहकर जायदाद के कागजात उन्हें दे दिया। वे उनका नमस्कार किए। जमींदार अपने पास काम करने वाले लोगों को बहुत सारे पैसे दिया। वे सब बहुत खुश हुए। जमींदार फिर से दान धर्म करने लगा। तारापुर नाम के गांव में उमेश चंद्रा नाम का जमींदार हुआ करता था। वो बहुत आलीशान जिंदगी जीता था। अपने गांव के बारे में तो वो कभी नहीं सोचता था। तारापुर गांव पहाड़ियों के बीच हुआ करता था। गांव तक सही सड़क तक नहीं होती थी, अस्पताल भी नहीं होता था। तारापुर से किसी और गांव जाना पड़ता तो साइकिल पर या चलकर जाना पड़ता था। उमेश चंद्र इन गांव वालों की समस्या के बारे में तो नहीं सोचता था, लेकिन खुद के दूसरे गांव जाने आने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ था। कहीं भी जाना होता तो उस हेलीकॉप्टर में ही जाता था। उमेश चंद्र के पास मुनीम के तौर पर रूप सिंह नाम का इंसान काम किया करता था। रूप सिंह का परिवार भी कई पुश्तों से उमेश चंद्र के पास ही काम किया करते थे। रूप सिंह की विमला नाम की बेटी राजेश नाम का बेटा था। विमला की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। रूप सिंह और उसकी पत्नी चंपा विमला को गर्भावस्था के वक्त पर अपने घर लेकर आए। चंपा रूप सिंह से, देखिए हमें अब विमला को अच्छे से देखना होगा। पहले ही हमारे गांव में अस्पताल तक नहीं है, कब क्या जरूरत आ पड़े पता नहीं। आप जमींदार से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए। तब रूप सिंह ठीक है कहा। 2 दिन बाद रूप सिंह और उसका बेटा राजेश जमींदार के घर पर थे तो चंपा रूप सिंह को फोन मिलाकर, ओ जी आप अर्जेंट घर आइए, हमारी विमला की स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर कुछ कह रहे हैं जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बात करिए, कहकर डॉक्टर को फोन दी। डॉक्टर रूप सिंह से, आपकी बेटी का बीपी बहुत ज्यादा है, मैं दवाई तो दे दिया लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अर्जेंट आपकी बेटी को शहर के अस्पताल ले जाकर सीजेरियन करना होगा वरना माँ और बच्चे को खतरा है। रूप सिंह को कुछ सूझा नहीं, वो बात वहीं मौजूद राजेश और जमींदार उमेश चंद्र को बताया। अरे रे ऐसा हुआ क्या, ये लो ये 50,000 रुपए ले लो। सर बात पैसों की नहीं है, अर्जेंट अस्पताल लेकर जाना है। हमारे गांव की स्थिति तो आपको पता है ना सर, एम्बुलेंस तक नहीं आती है, कार में जाने के लिए उस खराब रोड पर 5-6 घंटे लग जाएंगे। आपका हेलीकॉप्टर दोगे तो इस जन्म में आपका एहसान नहीं भुला पाएंगे सर। उमेश चंद्र को बहुत गुस्सा आया। किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो जानते हो क्या, हेलीकॉप्टर कोई मजाक लग रहा है क्या, उसकी कीमत कितनी है जानते हो, उसमें जाकर आने के लिए मेरा कितना खर्चा होता है जानते हो, आप जैसे गरीब लोगों के लिए मैं उसे बाहर निकालूं, घर वालों जैसे समझता हूँ तो दिन ब दिन अपनी सीमा भूलते जा रहे हो, आज हेलीकॉप्टर मांग रहे हो कल पूरा घर ही मांग लोगे, चुपचाप ये पैसे लेकर जाओ यहाँ से। वे कुछ नहीं बोल पाए और जल्दबाजी से वहाँ से निकल गए। रूप सिंह राजेश दोनों डॉक्टर की मदद से विमला को कार में बिठाए। अस्पताल को लेकर जाने के समय ही रास्ते पर विमला मर गई। सब दुखी होकर बेचारे रोने लगे। फिर राजेश बहुत दुखी हुआ। उनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए यह निर्णय किया। अत्यावश्यक वक्त पर अस्पताल लेकर जाने के लिए वो खुद ही एक हेलीकॉप्टर बनाने की सोचा। राजेश अपने कारपेंटर दोस्त विजय की मदद से लकड़ी से हेलीकॉप्टर की बॉडी बनाया। वो उस लकड़ी के हेलीकॉप्टर को बहुत कम खर्च में उड़ने के लिए सारे प्रयोग किए। आखिर में वो सफल हुआ। इस तरह वुडन हेलीकॉप्टर तैयार हुआ। तारापुर के लोग तालियां बजाकर राजेश का अभिनंदन किए। तारापुर गांव में किसी को भी बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ती तो राजेश अपने लकड़ी के हेलीकॉप्टर में उन्हें अस्पताल लेकर जाता था। एक दिन उमेश चंद्र की मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उमेश चंद्र अपने पायलट को बुलाकर, जल्दी हेलीकॉप्टर तैयार करो, माँ को अर्जेंट अस्पताल लेकर जाना है।
फिर वे जमींदार की माँ को हेलीकॉप्टर में बिठाए। पायलट की बहुत कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उमेश चंद्र पायलट थे। देरी क्यों हो रही है भाई, जल्दी चलो। क्या हुआ पता नहीं सर, बहुत कोशिश करने पर भी हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उमेश चंद्र क्या करे समझ नहीं पाया। ये बात राजेश को पता चली। राजेश तुरंत अपने लकड़ी के हेलीकॉप्टर में उमेश चंद्र के घर के पास आ गया। राजेश उमेश चंद्र से, सर आपकी माँ को इस वुडन हेलीकॉप्टर में अस्पताल लेकर जाएंगे, जल्दी आइए। फिर वुडन हेलीकॉप्टर में राजेश उमेश चंद्र की माँ को अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर उमेश चंद्र से, बिल्कुल सही समय पर लेकर आए हो, 10 मिनट का भी देर हो जाता तो इनकी जान नहीं बच पाती। उमेश चंद्र राजेश से, पैसों के घमंड में मैं बहुत मूर्खता से पेश आया, आपकी दीदी की मृत्यु का कारण बना, वो सब बिना मन में रखे तुमने मेरी माँ की जान बचाई, तुम्हें कैसे शुक्रिया करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब जान की बात होती है तो अमीर गरीब में फर्क नहीं होता है सर, प्राण प्राण होता है, समय पर किसी की मदद करना कितना जरूरी है आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप जमींदार हैं, हम आपके नीचे जीते हैं, हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी आप पर है सर। सही कह रहे हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब से मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाऊंगा। उमेश चंद्र तुरंत अपना हेलीकॉप्टर बेच दिया। तारापुर गांव में आने जाने वाले गाड़ियों के लिए बड़े बड़े रोड बनवाए, एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, उस अस्पताल में एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया। राजेश का बनाया गया वुडन हेलीकॉप्टर के बारे में जानकर एक बड़ी कंपनी राजेश को अपने कंपनी में हिस्सेदार बना दिए। फिर वो वुडन हेलीकॉप्टर को वो कंपनी बनाने लगी।